morning friends, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. आज 13 सितंबर 2019 फ्राइडे है, सुबह के 8:18 हो रहे हैं। आज जैसे कि फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। आने वाले वीक में कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। कल दो माइक्रो इकोनॉमिक्स डेटा रिलीज हुए, एक IIP और दूसरा इन्फ्लेशन। IIP देखे तो बढ़ा हुआ है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कंपेयर करें तो उसमें काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात करें तो काफ़ी कम है अभी तक। और इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो इस डेटा का क्या आज असर होगा मार्केट के ऊपर, ये देखेंगे। कहाँ पर सपोर्ट के लेवल्स आ रहे हैं निफ्टी में, कहाँ पर इंट्राडे लेवल्स हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल्स दे रहे हैं, ये देखेंगे। लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 12 सितंबर आफ्टर मार्केट RSI पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक यहाँ ऊपर आए में आपको मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,056 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,013। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स जैसे ही ओपन हुआ, हमारा ब्रेकआउट लेवल के ऑलमोस्ट उसी के पास ओपन हुआ और क्विकली हमारा फर्स्ट टारगेट 11,077 ये अचीव हुआ और एग्जैक्ट यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, इसके ऊपर जाने पाया और टुवर्ड्स साउथ की तरफ मुंह दिखाने लगा। उसके बाद जो बाउंस आया था, जो रिकवरी आई थी, उसी वक्त इसने फिर से एक बार ब्रेकआउट लेवल को जबरदस्त पेनेट्रेट किया, रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पर और ब्रेकआउट लेवल को फिर से ब्रेक नहीं कर पाया और टुवर्ड्स साउथ की तरफ मूव हुआ। और जैसे ब्रेकडाउन लेवल हमारा ब्रेक होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 10,993 और सेकंड टारगेट 10,980 ये दोनों भी अचीव हुए और एग्जैक्ट जो सेकंड टारगेट था उसी के पास ऑलमोस्ट कल निफ्टी इंडेक्स क्लोज हुआ। तो ये कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते अराउंड 30,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट से शुरू करेंगे। कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स, नासडैक कंटिन्यूस थर्ड सेशन हरे निशान में बंद हुए। US और चाइना में जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसमें थोड़ी सी पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है, तो उसका असर अमेरिकी बाजार पर देखने को मिल रहा है। यूरोपियन मार्केट भी देखे तो हरे निशान में कल बंद हुए और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्केई जापानीज इंडेक्स 196 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट भी हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर देखे तो 31 पॉइंट की बढ़त इस समय देखने को मिल रही है और SGX निफ्टी हल्के से पॉजिटिव नोट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से तो पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं। देखते हैं निफ्टी इंडेक्स में आज क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद निफ्टी का चार्ट के ऊपर हम चलते हैं। तो सबसे पहले ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट से शुरू करेंगे। अगर हम इस मंथली चार्ट को देखें तो यहाँ पर ये जो 20 EMA है, अगर आपने हमारे पास्ट वीडियोस देखे होंगे फ्राइडे के जो बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम करते हैं, तो यहाँ पर ये 20 EMA का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे ये क्लोज नहीं होता तब तक चांसेस है कि यहाँ से एक फिर से पुल बैक आ सके। तो यहाँ पर 23.6% का ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया है लो और इस हाई को पकड़ के, ये एग्जैक्ट 20 EMA के पास आ रहा है, तो यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी इस सितंबर का मंथ देखे, ऑलरेडी ऑलमोस्ट आधा मंथ हो चुका है, लेकिन इसने प्रीवियस मंथ यानी ये जो अगस्त का हाई और लो है इसे अभी तक ब्रेक नहीं किया, तो इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है और 20 EMA का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर टेस्ट कर रहा है। अगर ये आइदर ये इसका लो ब्रेक करके और नीचे की तरफ अगर मूव करता है तो हमें बैंक निफ्टी में यहाँ से और टुवर्ड साउथ की तरफ मूव दिखाई देगा, और अगर यहाँ से हमें अपसाइड रैली देखना है तो फर्स्ट तो इसे प्रीवियस मंथ का हाई ब्रेक करना होगा कंफर्टेबली और इसके ऊपर क्लोज मिलना होगा। ये मंथली चार्ट, लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर 27,446 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी, और अभी भी यहाँ पर इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है एज पर मंथली चार्ट। तो वीकली चार्ट पर चलते हैं, यह है वीकली चार्ट।
बैंक निफ्टी इंडेक्स का। अगर आप इसे निफ्टी इंडेक्स के साथ कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट ये सेम चार्ट होता है, ऑलमोस्ट, सिर्फ कभी कभी 10-20% ये थोड़ा सा डिफर करता है, वरना ये एग्जैक्ट इंडेक्स निफ्टी की तरह हमें यहाँ पर पैटर्न दिखाता है। अगर यहाँ पर लास्ट वीक का ये कैंडल देखें तो यहाँ पर भी ड्रैगन फ्लाई दोजी कैंडल स्टिक बना है। ये डाउन ट्रेंड में आने के बाद ये एक बुलिश सिग्नल होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ये निफ्टी इंडेक्स में भी फॉर्म हुआ था, जो लोग हमें कहते कि बैंक निफ्टी का भी हर रोज एनालिसिस किए, तो ये पॉसिबल नहीं है, वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है आपको, तो ये सिमिलर होता है निफ्टी का भी। अगर आप हमारा एनालिसिस देखते हैं तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि बैंक निफ्टी में कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बन रहे हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल ये 23.6 का ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, ये हाई और ये लो को पकड़ के हमने ड्रॉ किया है। तो 27,793 यानी ऑलमोस्ट 800 के ऊपर अगर ये क्लोज होता है तो चांसेस है कि और भी यहाँ से अपसाइड मूव हमें देखने को मिले, और उसके लिए इसे ये दो हर्डल्स जो है, ये 50 EMA का मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट में और 20 EMA का है, ये नेक्स्ट हर्डल्स है रेजिस्टेंस के लेवल से बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए, जो अराउंड 28,300 के पास आ रहा है और 20 EMA 28,800 के पास आ रहा है। उससे पहले यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल भी है जो कि अराउंड 28,550 के पास है। तो ये सारे रेजिस्टेंस के लेवल से हर्डल से इसके ऊपर इसे डिसीजिव मूव दिखाना होगा, तो यहाँ से बैंक निफ्टी में कंटिन्यू अपसाइड रैली देखने को मिल सकता है। नीचे ये जो 100 EMA है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, लास्ट 4 वीक से हम देख रहे हैं कि ये इस 100 EMA को ये पेनिट्रेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है 26,880 का, तो यहाँ पर ये सपोर्ट है और ऊपर ये 50 EMA जो कि अराउंड 28,300 के पास है, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल होगा। एक बार डेली चार्ट भी देख लेते हैं। डेली चार्ट में अगर आप देखें तो अभी ये काफी सारे दिनों के बाद ये फिर से 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 EMA को इसने एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर टेस्ट किया, फिर यहाँ पर ये टेस्ट किया, तो ऑलमोस्ट ये अभी जुलाई 2019 के बाद अभी डेली चार्ट में ये फिर से एक बार 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर लास्ट डे का कैंडलस्टिक देखें तो यहाँ पर ये दोजी टाइप का फॉर्मेशन है, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक इसे कहा जाएगा। अगर यहाँ पर एक बियरिश कैंडलस्टिक अगर फिर से यहाँ पर क्रिएट होता है, फॉर्म होता है, तो ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न इसे कहा जाएगा। 20 EMA अभी डेली चार्ट में इसका सपोर्ट बन सकता है, जो कि अराउंड अभी 27,696 यानी 700 के पास है। 27,700 के नीचे अगर ये क्लोज होता है आज ही में, तो यहाँ से फिर से टुवर्ड साउथ की तरफ हमें मूव बैंक निफ्टी करता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर ऊपर यहाँ से मूव करता है तो फर्स्ट तो यहाँ पर ये प्राइस एक्शन का एक रेजिस्टेंस होगा ऑलमोस्ट यहाँ पर 28,300। वीकली चार्ट में हमने देखा था कि 50 EMA का ब्लू लाइन 28,300 के पास आ रहा है, और डे चार्ट में यहाँ पर प्राइस एक्शन का एक रेजिस्टेंस बन रहा है 28,300 के पास। तो 28,300 रेजिस्टेंस होगा और नीचे ये फर्स्ट इमीडिएट 27,700 का सपोर्ट होगा। ये अगर ब्रेक करता है तो टुवर्ड्स साउथ की तरफ हमें और मूव बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है। तो यह है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी सिमिलर वीकली चार्ट है जैसा बैंक निफ्टी का था। यहाँ पर ये इस रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रहा है लास्ट 6 वीक से। तो अभी फिलहाल ये 23.6% के पास है, 11,000 का लेवल है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, इसके ऊपर क्लोज होना काफी जरूरी है। तो यहाँ पर हमारा ये जो पैटर्न है जो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये कंप्लीट हो सकता है। अगर इसके ऊपर क्लोज मिलता है 11,000 के ऊपर, स्ट्रांग बुलिश कैंडलस्टिक बनता है, तो राइट शोल्डर कंप्लीट हो जाएगा ये ऐसे, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये यहाँ पर राइट शोल्डर बन सकता है। अभी बना हुआ नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। अगर ये ऐसा पैटर्न बनता है और नेक लाइन का हमें अगर ब्रेकआउट मिलता है, तो यहाँ से निफ्टी इंडेक्स में हमें अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है।
तो यह है वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में कल जैसे कि हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था, ये फिर से इसने यहाँ पर यह दोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन किया था। प्रीवियस भी जो फॉल आया था कुछ दिनों पहले, इसके पहले इसने ये दोजी फॉर्मेशन दिया, फिर बियरिश कैंडलस्टिक यहाँ पर फॉर्म हुआ और उसके बाद फिर से इसने निफ्टी इंडेक्स में एक फॉल दिखाई दिया। अभी सेम सिचुएशन है यहाँ पर। अभी यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न जो बना हुआ है इसे बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक कहते हैं। ये जो प्रीवियस दोजी कैंडलस्टिक बना है इसका बॉडी और पूरा हाई और लो का रेंज ये बियरिश कैंडलस्टिक ने कवर कर लिया है। तो अभी कल का अगर लो कंफर्टेबली अगर ब्रेक करता है निफ्टी इंडेक्स तो यहाँ से फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ हमें मूव दिखाई दे सकता है। अगर नहीं, अगर ये 20 EMA को रिस्पेक्ट करता है यानी इसका सपोर्ट अच्छी तरह से टेस्ट करता है, 10,989 के पास है 20 EMA का ये मूविंग एवरेज और यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी आ रहा है, तो अगर ये इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, क्लोज होता है, तो हमें यहाँ से अपसाइड मूव आने की थोड़ी सी गुंजाइश रहेगी और ऊपर हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 11,161 जो कि 50 EMA का ये ब्लू लाइन है। तो ये है डेली चार्ट का सिनेरियो अभी फिलहाल। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट के ऊपर, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो कल का लो जो है वो कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए। यहाँ पर ही 100 EMA का ये मूविंग एवरेज आ रहा है जो कि ग्रे लाइन है, तो 10,963 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये S1 का पिवट पॉइंट जो कि 10,937 के पास है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा ये 10,914, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो ये जो पिवट पॉइंट है 11,009 और यहाँ पर 20 EMA ये ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास आ रहा है, तो ये जो हाफ एन आवर का कल का ये जो बियरिश कैंडलस्टिक है इसके ऊपर इसे सस्टेन होने दीजिए, यानी 11,011 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,035, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 11,054, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा जो कि पिवट पॉइंट का R1 का लेवल है। तो ये है फिलहाल आज के लिए इंट्राडे लेवल्स निफ्टी के लिए। हमने बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस किया। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड।